छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार द्वारा धरना, जुलूस, सभा, रैली या अन्य आयोजन के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक कर दी है, जिसको भाजपा ने काला आदेश बतलाया है। 1 मई को भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर यह चेतावनी दी गई थी कि सरकार अगर काला आदेश को 15 दिनों के भीतर वापस नहीं लेता है तो भाजपा लोकतंत्र की रक्षा में जेल भरो आंदोलन करेगा। 15 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने यह आदेश वापस नहीं लिया, जिस कारण भाजपा ने आज दोपहर 12 बजे हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन किया। चिलचिलाती गर्मी में एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जेल भरो आंदोलन के लिए भाजपा कार्यालय से निकले थे, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस बल भी उन्हें रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग कर मुस्तैदी से तैनात रही। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं और जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। जो काला कानून उन्होंने विरोध करते हैं, यहाँ पर जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार की नीति रही है, अपना खुद लड़ नहीं सकती, इसलिए पुलिस को आगे करती है।
काला कानून लाकर निजी सार्वजनिक सामाजिक धार्मिक राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यक्रमों में अनुमति की अनिवार्यता करके 22 साल में लाद करके के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है। किसी गांव में नौधा कर रामायण करना है, भागवत करना है, तब भी इस आदेश के हिसाब से अनुमति लेने जाना पड़ेगा, और अनुमति में अगर कार्यक्रम में जरा भी 22 शर्तों में से कुछ भी अवहेलना होती है तो बड़ी गैर जमानती धारा में अपराध FIR किया जा सकता है। इसके विरोध में, इस काला कानून के विरोध में हम आज सड़क उतरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी मांगों को लेकर बीच में उनको धोखा दिया, उनको समझाइश दी गई, उनकी रकम की हुई है और समझाइश देने के बाद वो मान गए और उनको सारी कार्रवाई की जा रही है, नाम लिखा रहे हैं और जो भी वैधानिक कार्रवाई की। ऐसे ही वीडियो स्टोरी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।